study with me a learning experience assignment 1.1 a pulley of radius 0.9 meter is used to lift a bucket from the well it took 3.6 rotations for the pulley to take water out of the well how deep is water in the well बहुत आसान सवाल है इस तस्वीर से समझें कि ये एक कुआं है वेल है इसमें पानी कितना डीप है पानी का लेवल कितना डीप है जबकि हमारे पास जो पुली है उसका रेडियस पॉइंट नाइन मीटर है और पुली जब ये रोप हम खींचते हैं तो कितनी चक्कर लगा लेती है थ्री पॉइंट सिक्स चक्कर ये इसने लगाए होते हैं कि पानी बाहर आ जाता है जूम करके देखें पुली को ताकि आपको मैं रेडियस समझा सकूँ इसका जो रेडियस है पुली का वो है पॉइंट मीटर ये हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि ये पुली कितने चक्कर लगाती है थ्री ये एक चक्कर इसने कम्प्लीट किया दूसरा चक्कर इसने कम्प्लीट किया तीसरा चक्कर इसने कम्प्लीट किया और चौथा चक्कर पूरा नहीं किया आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यानी पॉइंट सिक्स कम्प्लीट किया तो ऐसी सूरत में पानी हमारा बाहर आ जाता है ये पानी का लेवल क्या है ये मालूम करना है और ये यानी कि डेप्थ मालूम करनी है तो गिवन हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ पुली आर पॉइंट नाइन मीटर हमें गिवन है नंबर ऑफ़ रोटेशं हमें मालूम है कि हमने थ्री पॉइंट सिक्स रोटेसन्स पुली ने ली हैं डेप्थ ऑफ वाटर इन द वेल ये डी मालूम करना है सोलूशन बहुत ही आसान है आपको ये मालूम होगा जब भी कभी कर्व्ड लेंथ मालूम करनी हो किसी सर्कल के आर की तो होता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा हमें तो पूरी सर्कम चाहिए तो हमारा जो पूरा सर्कम का एंगल होता है थीटा वो क्या होता है टू पाई तो हम लोग रेडियस की वैल्यू डाली पॉइंट नाइन और थीटा की वैल्यू डाली टू पाई अब पाई की वैल्यू क्या होती है थ्री पॉइंट वन फोर तो एस की वैल्यू जब हम लोग ये पाई की जगह थ्री पॉइंट वन फोर डालेंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइव पॉइंट सिक्स फोर मीटर ये क्या है बेसिकली एस पूरी सरकम हमारे पास आ गई है अब हम लोगों ने कितनी सरकम या कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस थी हमारी थ्री तो इस एस, एस को यानी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेप्थ हमारी जो है वो आ जाएगी डेप्थ डी रीप थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई एस तो 3.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव पॉइंट वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी और जब मल्टीप्लाई किया तो 20.34 मीटर या राउंड फिगर में करें 20 मीटर आप सोच रहे होंगे ये डेप्थ हम लोग पुली की रिस्ते हुए नाप रहे हैं क्योंकि देखें ये जो रोप इसके ऊपर जा रही है ये इसके ऊपर से होके इधर नीचे आ रही है तो जितना डीप ये पुली के जब घूमती है तो ये रोप जितना नीचे गई होती है वो कितना ऊपर आती है इसी पुली के ऊपर से घूम के आ रही होती है तो पुली के ऊपर से वो थ्री टाइम्स घूमी है और जो एस है एक पुली का वो है फाइव पॉइंट सिक्स फोर 5.64 तो 20.34 तो द वाटर लेवल इन द 20 मीटर असाइनमेंट कैलकुलेटेड वॉल थिकनेस द ब्रिक इज लेड इन पोजिशन लेंथ वाइज कॉल्ड स्ट्रेचर पोजिशन एस थर्टीन पॉइंट सिक्स प्लस माइनस पॉइंट वन ये जो हाफ ब्रिक वॉल है इसकी डेफिनेशन ब्रैकेट में दी गई हुई है कि ये कैसी होती है और ये तस्वीर से आप समझे कि यूँ हाफ ब्रिक वॉल इसकी चौड़ाई चूंकि तहरी बात है इस स्ट्रक्चर स्ट्रेचर पोजिशन में लेट है तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है तो इसकी चौड़ाई उसने मैयर की थर्टीन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर और कहा कि अनसर्टेनिटी इसमें प्लस माइनस पॉइंट वन की मिस्टेक हो सकती है दूसरी उसने एक वॉल ली वन ब्रिक वॉल थिकनेस जो कि होती है ब्रेक प्लेसड इन फ्लैट पोजिशन लेथ वाइज और थागनल टू वॉल कॉल्ड हेडर पोजिशन ये जो ब्रैकेट में है ये सिर्फ इसकी डिटेल है कि वन ब्रेक वॉल होती क्या है तो वन ब्रेक वॉल होती है जो पूरी इस तरह करके फ्लैट लगाई गई हो और थानल पोजिशन में इसको सिंगल ब्रेक वॉल कहते हैं या हेडर बॉन्ड भी कहते हैं इसमें जो उसने इसकी वट्स मैयर की इस दीवार की वो थी 23.6 और कहा प्लस माइनस पॉइंट वन इसके अंदर मिस्टेक हो, हो सकती है अनसर्टेनिटी हो सकती है और अब मालूम हमने क्या करना है कैलकुलेट द डिफरेंस इन वेट्थ ऑफ वॉल्स विद अनसर्टेनिटी इट इन इट यानी कि इसकी 23.6 है और इसमें से ये माइनस करनी है लेकिन चूंकि अनसर्टेनिटीज़ भी हैं लिहाजा ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है गिवन हमारे पास क्या है आपने लिख लेना है वेट्थ ऑफ़ हाफ ब्रिक वॉल जो पहली हाफ ब्रिक वॉल है 13.6 प्लस माइनस पॉइंट वन और वेट्थ ऑफ़ सेकेंड वॉल या फुल ब्रिक वॉल डब्ल्यू टू इजिकल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स प्लस माइनस पॉइंट वन सेंटीमीटर डिफरेंस हम लोग मालूम करना है इन वेट्स ऑफ तो वॉल्स जिसको हम लोग कह देते हैं डी सलूशन में आते हैं तो हम लोग पहले डिफरेंस इन वेट्स ऑफ तो वॉल डी इज इक्वल टू वेट्स ऑफ तो वॉल टू माइनस वेट्स ऑफ तो वॉल वन लिखेंगे क्योंकि वेट्स ऑफ तो वॉल टू ज़्यादा है और इनकी वैल्यूज अंदर पुट इन कर देंगे अब आप देखें कि ये दो बेसिकली मेन वैल्यूज़ हैं तो इनका असल में डिफरेंस निकलना है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स और थर्टीन पॉइंट सिक्स का तो ये 23.6 में से 13.6 माइनस हो जाएगा जबकि ये और ये जो है, ये uncertainties हैं, ये अनसर्टेनिटीज़ हैं अनसर्टेनिटीज़ चाहे माइनस का सवाल हो या प्लस का सवाल हो हमेशा एडअप होती हैं तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 23.6 थ्री पॉइंट सिक्स माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स प्लस माइनस और अनसर्टेनिटी पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन ये हो गई जो डिफरेंस आ गया हमारे पास टेन प्लस माइनस पॉइंट टू सेंटीमीटर असाइनमेंट वन पॉइंट थ्री द वोल्टेज V प्लस माइनस डेल्टा V इज मैर एज 7.3 पॉइंट थ्री वोल्ट प्लस माइनस पॉइंट वन वोल्ट एंड करंट आई प्लस माइनस डेल्टा आई इज मैर एज टू पॉइंट सेवन थ्री एम पीयर प्लस माइनस पॉइंट जीरो फाइव एम पीयर कैलकुलेट क्या करना है रेजिस्टेंस आर बाई यूजिंग ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई या इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर तो गिवन हमारे पास क्या क्या है वोल्टेज और उसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा वी जो है अनसर्टेनिटी है और इसी तरह करंट और उसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा आई करंट की अनसर्टेनिटी है यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है प्लस माइनस थोड़ा सा एरर है कि भाई सेवन पॉइंट थ्री तो कन्फर्म है प्लस माइनस पॉइंट वन वोल्ट हो सकता है रेजिस्टेंस जो हमने मैयर करना है तो जाहिर है वो भी फिर अनसर्टेनिटी के साथ मैयर करना है आर प्लस माइनस डेल्टा आर वैसे तो हम लोग जब रेजिस्टेंस मैयर करते हैं तो जो भी मल्टी मीटर होता है उसके नॉब को हम लोग ओम की तरफ करके जो भी रेजिस्टेंस गिवन होता है उसके दोनों साइडों पे टर्मिनल्स के ऊपर हम लोग दो ये नॉब्स लगा देते होते हैं और यहाँ से रीडिंग ले लेते हैं लेकिन अब हमें ऐसा मल्टीमीटर अगर नहीं अवेलेबल कोई सिर्फ वोल्ट मीटर था और एम मीटर था तो एक से हम लोग ने वोल्टेज मैयर कर लिया एक से करंट मैयर कर लिया और अब इस फार्मूले की मदद से हम लोग जो है रेजिस्टेंस मैयर करेंगे ओम लाओ क्या होता है वी अगर निकालना है तो आई और आर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें अगर आई निकालना है तो वी डिवाइडेड बाय आर इसी तरह अगर आर निकालना है रेजिस्टेंस तो वी डिवाइडेड बाई आई तो अभी हमने आर निकालना है तो वी डिवाइडेड बाई आई हमारे पास फार्मूला है सल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इसको अनसर्टेनिटीज़ के अंदाज में ही हम लोग लिख लेते हैं रेजिस्टेंस आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल टू वी प्लस माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आई प्लस माइनस डेल्टा आई अब वी प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू एट यहाँ पे पुट करते हैं और आई प्लस माइनस डेल्टा आई की और ये डिवाइड को बिल्कुल मैथमेटिकल डिवाइड के अंदाज़ में लिख लेते हैं तो ये हम लोगों ने सामने लिख लिया है अब जब भी कभी आपको याद हो अनसर्टेनिटीज़ के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी हो तो ये वाली चीज़ें जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न या पावर के केस में ये इस तरह डायरेक्टली इन पर काम नहीं करते इनको पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में तो बारी बारी दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई सेवन पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट लेफ्ट वाली चीज़ तो ऐसी ही रही मेन वैल्यू राइट वाली को हमने क्या कर दिया पॉइंट वन डिवाइडेड बाय 7.3 पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट तो इससे वैल्यू आगी सेवन पॉइंट थ्री तो इज़ ही प्लस माइनस वन पॉइंट थ्री सेवन परसेंट ये इसकी वोल्टेज की आ गई अब राइट वाली को हम करते हैं करंट को तो वो भी पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट सेवन थ्री इंटू हंड्रेड परसेंट ये लेफ्ट वाली चीज़ ही रहेगी तो इससे पा, हमारे पास आ जाती है टू पॉइंट सेवन थ्री प्लस माइनस वन पॉइंट एट थ्री परसेंट अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज़ दोनों आ चुकी हैं वो परसेंटेज में आ चुकी हैं अब हम उस तरीके से लिख लेते हैं अब इसको हमने सॉल्व करना है सेवन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई टू पॉइंट सेवन थ्री हो जाएगा प्लस माइनस बीच में रहेगा और वन पॉइंट थ्री सेवन परसेंट और वन पॉइंट एट थ्री परसेंट आपको है कि ऐड हो जाने होते हैं तो सेवन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई टू पॉइंट सेवन थ्री ये हमने लिख दिया प्लस माइनस एडिज रखा और वन पॉइंट थ्री सेवन प्लस वन पॉइंट एट थ्री परसेंट लिख दिया ये नीचे वाली जो राइटिंग को मिटा देता हूँ और आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करके देखते हैं सेवन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई टू पॉइंट सेवन थ्री टू पॉइंट सेवन ओम और वन पॉइंट थ्री सेवन और वन पॉइंट एट थ्री परसेंट थ्री पॉइंट टू परसेंट ये परसेंटेज मैंने रेड इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे कि अब जब आंसर लिखना है तो वो जिस तरह की यूनिट में ये है उसी में लिखना है परसेंटेज में नहीं लिखना तो अब थ्री पॉइंट टू परसेंट वाले को हम लोगों ने दोबारा से ओम बनाना तो है? है तो उसका तरीका क्या है यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनानी है तो उसका प्रोसीजर है कि थ्री पॉइंट टू डिवाइडेड बाय 2.7 नहीं सॉरी 3.2 पॉइंट टू डिडेड बाई हंड्रेड क्योंकि परसेंट है ना 3.2 परसेंट का मतलब परसेंटेज हो होता है डिवाइडेड बाई हंड्रेड थ्री पॉइंट टू डिडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट सेवन तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो ओम एट ओम असाइनमेंट नंबर वन पॉइंट फोर द रेडियस ऑफ फेयर आर इज़ मेयर विद वन ईयर कैलपर एज आर प्लस माइनस डेल्टा आर इज इक्ल टू टू पॉइंट टू फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर कैलकुलेट द वॉम ऑफ फेयर इसमें यह जो है इसकी मेन रीडिंग है और ये इसकी अनसर्टेनिटी है नॉर्मली रेडियस मैर कैसे किया हो गया वन ईयर कैलपर से रेडियस तो अंदर की चीज़ होती है बेसिकली वो डाया मीटर मैयर करते हैं वन इयर कैलपर से और उसको डिवाइड बाई टू कर देते हैं तो ये रेडियस आ जाता है अब हमें मालूम क्या करना है वॉल्यूम ऑफ फेयर गिवन हम लोग निकालते हैं रेडियस ऑफ फेयर प्लस माइनस डेल्टा आर इज टू पॉइंट टू फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर ये हमें गिवन है और कहा गया वॉल्यूम ऑफ फेयर मालूम करें और ज़ाहिर उसमें भी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो ये वी प्लस माइनस डेल्टा भी इज्क्वल टू क्वेश्चन मार्क और सोलूशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फार्मूला बताना चाहिए फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और हम लोग इस तरह लिखेंगे वॉल्यूम वी प्लस माइनस डेल्टा भी इजिक्वल टू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री पाई की वैल्यू डालती थ्री पॉइंट वन फोर और आर की वैल्यू हमने यहाँ से डालती टू पॉइंट टू फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन होल क्यूब अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है याद रखें अनसर्टेनिटीज़ के केस में जब एडिशन सप्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाते होते हैं जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर हो पहले चेंज करना पड़ता है परसेंटेज में ये किस में है पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर में अभी इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले चेंज करते हैं 2.25 प्लस माइनस 0.01 को 2.25 तो ऐसा ही रहेगा प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी है वो चेंज होएगी 0.01 जीरो वन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 प्लस माइनस 0.44 परसेंट तो ये अभी हम लोग वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 2.25 प्लस माइनस 0.44 परसेंट अब परसेंटेज में आ गई अनसर्टेनिटी अब हम इस पर काम कर सकते हैं तो फोर ये इसको सब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई फोर पॉइंट वन एट सिक्स अंदर की वैल्यू वही रही टू पॉइंट टू फाइव प्लस माइनस पॉइंट फोर फोर परसेंट होल वार थ्री नेक्स्ट में हम गेम इस चीज़ को हटा देते हैं ताकि रश कम हो जाए जगह पे फोर पॉइंट वन एट सिक्स अब ये देखें जब हम लोग इसको खोलते हैं पावर वाली अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन को तो ये तो एज़ इट इज़ टू पॉइंट टू फाइव रेस टू बार क्यूब आ जाते हैं क्या टू पॉइंट टू फाइव रेस टू बार थ्री लेकिन अनसर्टेनिटी का रेस टू दो बार थ्री नहीं आता बल्कि थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फोर फोर परसेंट अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं टू पॉइंट टू फाइव का क्यूब आता है एलेवन पॉइंट थ्री नाइन वन और थ्री मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फोर फोर परसेंट हो जाता है वन पॉइंट थ्री टू परसेंट नेक्स्ट फोर पॉइंट वन एट सिक्स मल्टीप्लाई बाई अलेवन पॉइंट थ्री नाइन वन बन जाता है फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट और ये वन पॉइंट थ्री टू परसेंट अब ये परसेंटेज को मैंने रेड इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि अभी हम लोगों ने शुरू में प्लस करने के लिए या अनसर्टनिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने परसेंटेज में लेकर आए थे अब दोबारा जब इसको हम लोगों ने फाइनल करना है तो परसेंटेज का साइन को ख़त्म करके उसी फॉर्म में लेकर आना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ चले जाते हैं क्योंकि स्क्रीन के नीचे जगह नहीं है 47.7 प्लस माइनस 1.32 परसेंट क्या होता है 1.32 पॉइंट थ्री टू डिवाइड बाई हंड्रेड और मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से जो लेफ्ट में लिखी हुई है फोटी यानी मेन वैल्यू से इससे हमारी वैल्यू आ जाती है फोटी प्लस माइनस पॉइंट और हम लोग अब यूनिट भी लिख देते हैं वॉल्यूम रेडियस टू सेंटीमीटर में था वॉल्यूम थ्री टाइम्स होता है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा और यही हमारा आंसर है असाइनमेंट वन पॉइंट फाइव कैलकुलेट द आंसर्स टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आपके पास छः पार्ट्स हैं सबको बारी बारी सॉल्व करेंगे लेकिन सबसे पहले कुछ रूल्स रिवाइज कर लें सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स अभी इसमें देखें चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सारे के सारे सिग्नीफिकेंट्स हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्नीफिकेंट्स हमारे पास हैं फोर जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स यानी ये टू और सेवन देखें नॉन जीरो डिजिट्स हैं इनके बीच में जो जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं तो इसमें टोटल कितने हो गए तीन जीरो हो गए और दो साइड हो गए तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं टोटल फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आफ्टर डेसीमल डेसीमल के बाद जो इमीडिएटली जीरोज आ रहे होते हैं उनको कहते हैं लीडिंग जीरोज ये नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं यानी कि इस फिगर में देखा जाए तो टोटल दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसीमल जो ट्रेलिंग जीरो हैं कि डेसिमल के बाद ये तो लीडिंग जीरोस थे जबकि नंबर के बाद जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनके बाद वाले जो होते हैं वो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं तो इस नंबर में टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन होल नंबर्स ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मैंने बता दिया है कि डैसीमल के बाद वाले फ़िगर में जो एंड पे आ रहे होते हैं वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं अगर होल नंबर है जिस तरह थ्री है इसमें अगर बाद में डेसीमल आ रहा है डेसिमल के बाद कोई जीरो आ रहा है इस केस में ये वाला ट्रेलिंग जीरो जो होता है वो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर है ठीक है होल नंबर के अंदर जो एंड पे अगर डेसिमल आ रहा हो तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है इस नंबर के अंदर देखें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं थ्री टू और जीरो इसी तरह अगर बाद में जीरो ना हो डेसिमल के और जीरो ना हो पॉइंट जीरो ना हो सिर्फ थ्री ट्वेंटी लिखा हो तो सिर्फ पहले दो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं यानी इस वाले नंबर में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा हो ए मल्टीप्लाई बाय पावर एक्स इसको मैंने रेड कर लिया कि भाई ये सिग्निफिकेंट नहीं होता बाकी जो इस तरफ जितना कुछ भी लिखा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा फॉर एग्जाम्पल फोर पॉइंट फाइव इंटू थ्री इसमें फोर और फाइव सिग्निफिकेंट हैं यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसी तरह फोर पॉइंट फाइव जीरो इंटू थ्री हो तो मतलब है कि फोर फाइव और जीरो ये तीन सिग्निफिकेंट हैं फिगर्स हैं फोर पॉइंट फाइव जीरो जीरो इंटू थ्री हो तो ये चार जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एडिशन सेट्रैक्शन के अंदर रिजल्ट जो होता है उसको राउंड ऑफ़ कर दिया जाता है टू लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन द इनपुट गिविंग नंबर्स ये एग्जांपल के तहत समझें ये अगर आप इनको तीन डेसिमल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर ये आ जाता है लेकिन अब हमने इसको राउंड ऑफ़ करना है और एज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उस नंबर के बराबर जिसमें डेसीमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों इसमें देखें डेसीमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये वाला नंबर जितना है इस जितना हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है अपने आंसर को तो हमारा जो आंसर है उसके अंदर कितने आने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स वन टू थ्री फोर ठीक है तो वन टू थ्री फोर तो ये हमारा आंसर बन जाएगा वन सिक्स नाइन पॉइंट जीरो इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में हो उतना हम लोग आंसर को राउंड ऑफ करते हैं मिसाल के तौर पे ये आप नंबर्स देख लें एक दो तीन इसमें इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें चार हैं और इसमें कितने इसमें दो हैं हम लोगों ने जो पिछली पेज था उसके ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया कि ये दो नॉन सिग्निफिकेंट हैं अगर यहाँ पे पॉइंट लग जाता तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट हो जाते अभी इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारा आंसर जो है दो फिगर तक राउंड ऑफ होएगा ठीक है मतलब आंसर सिर्फ दो डिजिट्स नहीं होगा ये याद रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें दो होने चाहिए तो अभी इसमें ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएंगे तो बाकी सारों को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे थर्टीन जीरो 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 क्यों क्योंकि जिस तरह इसमें ये दो नॉन सिग्निफिकेंट हैं इस नंबर में ये चार जो है नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट रहने हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारा रूल है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस इनपुट के अंदर हों उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर के अंदर होने चाहिए अभी चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट की तरफ पार्ट ए है पॉइंट वन थ्री प्लस पॉइंट वन मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या वैसे ही तो पॉइंट फोर वन आंसर आ जाएगा अब एडिशन में रूल क्या था कि कौन सा ऐसा इनपुट नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा आंसर भी डेसीमल के बाद एक डिजिट तक ही जो है राउंड ऑफ होगा तो ये हमारा आंसर बन जाएगा पॉइंट फोर पार्ट बी है इसमें तीन नंबर्स नंबर अप हो रहे हैं अब इस केस के अंदर जब हम लोग सम कर देते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाता है अब राउंड ऑफ़ करना है तो राउंड ऑफ़ के लिए प्लस वाले के अंदर होता है कि डेसिमल के बाद किस में सबसे कम डिजिट्स हैं इसमें एक है इसमें चार हैं इसमें दो हैं तो इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो हमारा आंसर जो राउंड ऑफ होगा डेसिमल के बाद एक डिजिट तक होगा तो हमारा आंसर आ गया टू ज़ीरो टू सिक्स पॉइंट एट अब तीसरा सवाल है एट मल्टीप्लाई बाई सेवन आंसर मैथमेटिकली तो इसका आ जाता है फिफ्टी सिक्स लेकिन हम लोगों ने राउंड ऑफ़ करना मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो हमारे दोनों ही जो है क्या हैं एक सिग्निफिकेंट है नंबर है दोनों नंबर्स के अंदर क्योंकि एक एक ही डिजिट है तो हमारा आंसर राउंड ऑफ़ होना चाहिए एक डिजिट तक यानी कि इस तक राउंड ऑफ़ करना है अभी फाइव को राउंड ऑफ़ करना है अगला नंबर देखेंगे फाइव या फाइव से बड़ा बढ़ाएँ हाँ बड़ा है तो इसको हम क्या कर लेंगे सिक्स कर लेंगे और अगला नंबर जीरो कर लेंगे क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में कितने होने चाहिए थे वन क्यों क्योंकि हमारे डिजिट्स भी वन वन ही थे सिग्निफिकेंट फिगर्स में पार्ट डी बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीन और हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था कि किस में सबसे कम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें देखें तो एक दो तीन चार इसमें देखें तो एक दो तीन चार इसमें देखें तो एक दो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारा आंसर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ होना है वन थर्टी नाइन है तो अभी अगला नंबर देख लें फ़ाइव है तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके वन फोर जीरो लिख लेते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो अगर यहाँ से दो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लाए जाएँ तो वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन स्पाय टू तो ये तीन सिग्निफिकेंट uh, फिगर्स इसमें हैं और इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्वेश्चन नंबर का पार्ट uh, ई e है 5.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट वन मैथमेटिकली इसका आंसर आ जाता है फाइव और दोनों के अंदर देखें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारा आंसर कितना आया हुआ है फाइव तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसको हम लोगों ने फिर कितना बनाना है जितने की हमारी इनपुट है तो इस डब्बे तो को थोड़ा बड़ा करके बना लिया समझाने के लिए तो इसके साथ एक पॉइंट करके जीरो लगा देते हैं तो हमारा इसमें अब कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स दो तो हमारी इनपुट्स के बराबर हो जाएंगे पार्ट एफ लंबा चौड़ा सवाल है मैथमेटिकली इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है एटीन पॉइंट सेवन टू को सिक्स पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन की जाती है फिर प्लस करेंगे उसमें सेवेंटी थ्री पॉइंट टू और इस सारे का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे थ्री पॉइंट फोर से तो कैलकुलेटर से कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट वन वन फाइव टू नाइन मल्टीप्लीसन डिवीजन में आपको पता है कि हम लोगों ने क्या रूल फॉलो करना होता है कि इनपुट्स में जिसके सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों इसमें दो हैं इसमें भी दो हैं क्योंकि एक को ले लेते हैं तो इतना हमारा आंसर होना चाहिए कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके अंदर आने चाहिए हमारा आंसर क्या है फिफ्टी फाइव पॉइंट वन वन टू नाइन यानी सिर्फ पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमने इतना ही राउंड ऑफ करके लाना है तो 55 अगला डिजिट देख लें आ, डेसिमल के बाद जो है वो वन है यानी फाइव से छोटे तो हमारा आंसर फाइव फाइव यानी फिफ्टी फाइव ही आएगा असाइनमेंट वन पॉइंट सिक्स शो दैट द इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट दो इक्वेशंस हैं दोनों इक्वेशंस ऑफ़ मोशन हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी दोनों को बारी बारी हमने प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट हैं पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली अब इसकी हम लोग पहले फॉर्म ऑफ़ यूनिट्स में जो है ना इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स हम लिखते हैं क्योंकि वो हमें नाइन टेंथ में हम लोगों ने सीखे हैं विलासिटी की यूनिट्स क्या होती हैं मीटर पर सेकेंड ये क्या है ये भी विलासिटी है इनिशियल विलसिटी तो मीटर पर सेकेंड एक्सेलेशन की यूनिट्स क्या होती हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड तो उनको फॉर्म ऑफ यूनिट्स में हम नीचे लिख देते हैं विलासिटी की मीटर पर सेकेंड फिर विलासटी मीटर पर सेकेंड एक्सलेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्र और टाइम की सेकेंड अब हम लिखते हैं डायमेंशन में इस तरीके से करने से आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा मीटर किस चीज़ की डायमेंशन की क्या है लेंथ सेकंड किस की चीज़ की डायमेंशन होती है टाइम की और पावर क्या है माइनस वन तो टाइम की डायमेंशन और पावर है माइनस वन इसी तरह ये भी मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी एल टी माइनस वन हो गया ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर एल लेंथ की डायमेंशन और सेकेंड की डायमेंशन क्या है टाइम और पावर क्या है माइनस टू माइनस टू उसी तरह आ गया और सेकेंड की डायमेंशन क्या होती है सेकंड किस चीज़ में मैयर होता है टाइम है टाइम सेकंड में मैयर होता है तो उसकी डायमेंशन टाइम है एज इट इज़ लिख दिया अब हम लोग इसको देखते हैं ये एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टी एल टी माइनस टू और इस टी की वैल्यू है वन तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा इससे टी की वैल्यू पास क्या आ जाएगी माइनस वन एल टी माइनस वन अब देखें यहाँ पे एक एल टी माइनस वन है और दो एक और एल्टी माइनस वन है तो अब हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस वन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल टू टू टाइम्स एल टी माइनस वन अब ये देखें ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है ये क्या चीज़ है कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायमेंशन इक्वल हों तो फिर हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाती है डायमेंशनली तो पहली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई है दूसरी को देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हम लोग एस डिस्टेंस को अगर डिस्टेंस किस में मैय किया जाता है उसकी फॉर्म ऑफ यूनिट्स में हम लोग जाते हैं डिस्टेंस मैयर किया जाता है मीटर में विलास्टी मीटर पर सेकेंड में टाइम सेकेंड में हाफ कॉन्स्टेंट है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर में और टाइम फिर सेकेंड में तो उसी तरह लिखते हैं एस की जगह हम लोगों ने मीटर लिख दिया है वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड टाइम की जगह सेकेंड फिर प्लस हाफ़ एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्र और टाइम की जगह सेकेंड है और ऊपर स्क्यर है तो स्क्वेयर आ गया अब हम लोग लिख देते हैं इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस मीटर की डायमेंशन क्या होती है लेंथ ठीक है और फिर मीटर पर सेकेंड है मीटर की डायमेंशन लेंथ और सेकेंड की डायमेंशन टाइम और पावर क्या है माइनस वन और फिर फुल स्टॉप डॉट यानी मल्टीप्लाई और एस एस क्या है सेकेंड इस ये डायमेंशन क्या है टाइम तो यहाँ पे ब्रैकेट में रद्द से टाइम लिख दिया प्लस हाफ एज इट इज मीटर किसकी डायमेंशन है लेंथ की और सेकेंड इसकी डायमेंशन है टाइम तो एल टी और माइनस टू एज इट इज़ आ गया फिर फुल स्टॉप यानी मल्टीप्लीकेशन और एस स्क्र एस किसकी डायमेंशन है सेकेंड टाइम तो टाइम और ऊपर स्क्वेयर आ गया अब इसमें देखें कि हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं टी माइनस वन इन टू टी तो ये हो जाता है एल टी माइनस वन प्लस वन और इस तरफ आए एल टी की पावर आया माइनस टू और यहाँ पे प्लस टू तो माइनस टू प्लस टू होगी हमारे पास आंसर इससे आएगा यहाँ से आ गया एल टी की पावर जीरो होगी तो वो खत्म हो गया तो ये सिर्फ एल बच गया और इस साइड पे आए तो एल टी की पावर जीरो हो गई तो वन हो गया टी पावर जीरो वन तो यहाँ पे भी एल बच गया इसको अभी हम कंबाइन करते हैं एल इज़ इक्वल टू यहाँ पर देखें एक एल है और यहाँ पर हाफ एल है तो वन एंड हाफ एल हो गया इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं टू वन जो टू प्लस वन थ्री यानी थ्री बाय टू एल इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू एल ये क्या है कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ की डायमेंशन आप देख रहे हैं एल है और एल है तो डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है असाइनमेंट वन पॉइंट सेवन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड टी मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज सस्पेंडेड तो हमने एक एक्सप्रेशन ढूंढनी है टाइम पीरियड टी के लिए जब उसने हमें बता दिया है कि वो डिपेंड करता है मास के ऊपर लेंथ के ऊपर और जी स्मॉल वैल्यू के ऊपर सोलूशन की तरफ हम जाते हैं बड़ा सिंपल सवाल है बच्चे इससे अक्सर डर जाते हैं तो बड़ा आसान है सपोज़ टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन एम एल एंड जी ये हमें गिवन है तो हम लोग कर लेते हैं टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय जी अब आप सोचें कि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है लेंथ के ऊपर इनिवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है या जी के ऊपर या एम के ऊपर तो ये फर्स्ट स्टेप है हम सेकंड स्टेप में उसको इंशाल्लाह कवर करते हैं अब हम क्या करते हैं एम एल और जी की पावर्स ले लेते हैं ए बी और सी ए बी और सी ठीक है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं यकीन और नेगेटिव भी हो सकती हैं तो ये हम लोगों ने ले ली है एम की पावर एल की पावर बी जी की पावर सी अब इसको इक्वेशन बनाना है तो इसको ख़त्म करके इक्वालिटी लगाते हैं और कॉन्स्टेंट के लगा देते हैं वेयर केस प्रोपर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट ठीक है तो ताकि एक इक्वेशन हमारी बन जाए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसको इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस लिखते हैं डायमेंशन में लिखने जब से जो बड़ी आसानी से इक्वेशन सॉल्व होती हैं टाइम पीरियड ऑलरेडी टी है तो वो टी में ही कि बने उसको ब्रैकेट में हम लोग टी लिख देंगे और पावर इसकी क्या है वन जब कोई चीज़ ना लिखी हो तो पावर होती है वन है दैट इज एम मास है तो मास भी डायमेंशन ही है ऑलरेडी है वरना के जी होता तो हम यहाँ पे एम लिख देते अभी चूँकि ऑलरेडी मास है तो एम ही लिखेंगे और पावर ए एल लेंथ है ऑलरेडी मीटर्स वगैरह में लिखी होती तब भी हम क्या कर लेते कन्वर्ट करके एल लिख लेते क्योंकि डायमेंशन में लिखना है जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सलेशन है और एक्सलेशन किस में होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो मीटर क्या है डायमेंशन इसकी क्या है लेंथ और सेकंड किसकी डायमेंशन है टाइम की टी और पावर ऊपर क्या है माइनस टू ठीक है और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा सी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ कोई पावर है तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू से तो वैल्यू आ जाएगी एल रेस टू पावर सी और टी रेस्वा माइनस टू सी क्योंकि सी जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा एल की पावर भी है सी और टी रेस्वा माइनस टू की पावर भी सी है तो ये सी इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू सी हो गया और एल की पावर सी हो गया फर्दर सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में तो एल देखें इधर भी आ रहा है और एल इधर भी आ रहा है अब इन दोनों जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है एल रेस्टो आर बी प्लस सी हो जाएगा तो सारों को एक बड़ी ब्रैकेट में कंबाइन करते हैं एम रेस्टूआर एल रेस्टूआर बी प्लस सी और टी रेस्टोर माइनस टू सी अब यहाँ पर जगह ख़त्म होगी इसको ऊपर ले जाते हैं और कंपेयर करते हैं पावर्स ऑन बोथ साइड्स सब सबसे पहले एम की पावर यहाँ पे ए है लेफ्ट साइड पे एम की कोई पावर है नहीं है यानी एम की पावर जीरो है ठीक है एम की कोई पावर नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं ए इज इक्वल टू ज़ीरो उम्मीद है ये समझ आ रही होगी और सबसे पहले उसको करना है जिसकी सबसे कम वैल्यू है ठीक है अब इसके ऊपर देखें एक थी तो हमने एक ही ले ली अब देखें इसके ऊपर दो है इसको छोड़ देते हैं इसको देते हैं टी की पावर है माइनस माँण, टू सी यहाँ पर क्या है टी की पावर ये वन है तो माइनस टू सी इज़ इक्वल टू वन ले लेंगे इससे सी की वैल्यू निकल आ जाएगी माइनस वन बाई टू अब आते हैं इसकी तरफ एल की पावर बी प्लस सी यहाँ पे बी प्लस सी है और वहाँ पे एल की पावर क्या है जीरो तो बी प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा और सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं माइनस वन बाई टू तो बी प्लस माइनस वन बाई टू जब बी निकलेगा तो इज ईक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा अब हम लोग जाते हैं फुट करते हैं इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में जो हम लोगों ने पिछले पेज पर पे ली थी टाइम पीरियड इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एम रेस्वायर ए मल्टीप्लाई बाई एल रिस्वायर बी मल्टीप्लाई बाई जी रेस्वायर सी ठीक है ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली हुई है जीरो तो एम रेस्ट पावर जीरो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वन बाय टू तो एल पावर वन बाय टू और सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी माइनस वन बाई टू तो जी की पावर माइनस वन बाय टू एम रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो जाता है ठीक है और इसको जब के मल्टीप्लाई वन तो सिर्फ के हो गया के मल्टीप्लाई बाय एल रेस्पायर वन बाई टू जी रेस्पायर माइनस वन बाय टू किसी चीज़ की पावर वन बाय टू इसका मतलब है वो स्क्वेयर रूट है ठीक है एल रे स्पायर वन बाई टू का मतलब होता है स्क्वेयर रूट ऑफ एल ये क्या है जी रेस्टर माइनस वन बाय टू इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय जी रेस्ट पावर वन बाय टू या वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ जी क्योंकि जी की पावर क्या है वन बाय टू ठीक है जिस तरह एल की पावर वन बाय टू का मतलब है स्क्वेयर रूट ऑफ एल वन डिवाइडेड बाय जी की पावर वन बाय टू का मतलब है वन डिवाइड बाई स्क्र रूट ऑफ जी तो इसको इसी तरह लिख देते हैं टी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय स्क्र रूट ऑफ एल और यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ जी इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं दोनों स्क्र रूट स्क्वेयर रूट हैं टी इक्वल टू के इन स्क्वेयर रूट ऑफ एल ओवर जी और k चूं कांस्टेंट है और जब हम लोग इस तरह करके सॉल्व करते हैं तो हमें k की वैल्यू ख़ुद तो नहीं पता लेकिन तजर्बात से ये बात मालूम है ऑलरेडी हमें कि वैल्यू ऑफ k जो साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो होती है टू पाई टू मल्टी बाई थ्री पॉइंट वन फोर तो ये हम लोग इक्वेशन में अपनी डालेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू तो टू पाई स्क्वेयर रूट एल ओवर जी तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया और आपने सारी ज़िंदगी ये चीज़ याद रखनी है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता अगर आप इस किस्म की मदीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं